नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी साधना बताएंगे जो शायद आपने ना सुनी हो या किसी पुस्तक में ना पढ़ी हो, क्योंकि यह एक गुप्त साधना है। इसके विषय में किसी पुस्तक में उल्लेख नहीं है, किसी भी दंत कथाओं में भी इसका जिक्र नहीं है, और यह एक बहुत ही गुप्त साधना है और बहुत ही तीक्ष्ण साधना है, जिसका विधान भी बहुत ही सरल है। और यह साधना जो है एक दिवसीय साधना है, और इस साधना में जो साधक इस साधना को संपन्न कर लेता है वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। वह इस शक्ति के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई जानकारी हासिल कर सकता है और अपने स्वयं के विषय में भी जानकारी हासिल कर सकता है। और यह बहुत ही गुप्त साधना रही है, और इस साधना का सबसे अच्छा काम यह है कि यह साधना करते हुए इंसान का आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, और मात्र एक दिन की साधना है। और मैं इस साधना को आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि यह साधना हमने बहुत पहले की थी। ये सन 2004 की बात है, तो हमने यह साधना स्वयं संपन्न की थी अपने गुरु के रेख देख में। तो मैं चाहता हूँ कि यह साधना जन कल्याण हेतु आप सभी साधकों के लिए YouTube पे डाली जाए और आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो यह साधना एक बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाली है, और कोई लंबा चौड़ा इसका विधान नहीं है। तो इस साधना का मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह एक मायाविनी देवी साधना है। यह देवी सिद्धिदात्री देवी का ही एक स्वरूप है, जो कि एक गुप्त स्वरूप है, जिसके विषय में किसी पुस्तक में जिक्र नहीं है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है। और यह साधना एक सौम्य साधना है। ये माता भगवती के एक अंश माना गया है, जिनका नाम मायाविनी देवी है। और इनकी खूबी ये होती है कि ये अपनी माया से देवताओं, असुरों और सिद्धों को भी भ्रमित कर देती हैं। यह उसी महामाया का एक अंश है, उनका ही स्वरूप है, और बहुत ही सौम्य स्वरूप है। और जब ये साधक पे प्रसन्न होती हैं तो साधक को त्रिकालदर्शी बना देती हैं। अगर साधक किसी भी दूसरे मनुष्य के विषय में कुछ जानना चाहता है तो देवी साधक को तुरंत बिना देर किए बता देती है। साधक की एकाग्रता अगर सही है, अगर वह ध्यान मेडिटेशन पहले से करता आ रहा है, तो एक दिन की ही साधना से देवी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तथा अगर ध्यान की स्थिति अगर उसकी मजबूत है, तो मायाविनी देवी से वह प्रश्न का जवाब साक्षात प्राप्त कर सकता है, तथा वह देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन भी कर सकता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और मायाविनी देवी का स्वरूप जो है बहुत ही चंचल है, वह सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, तथा उनके जो है अपने साधक को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दर्शन देती हैं। इनका जो स्वभाव है, चंचल होने के साथ साथ इनका स्वरूप स्वर्ण के समान है, सुनहले वस्त्र सदैव धारण करती हैं। यह एक युवा सुंदर मनमोहक देवी हैं, और मायाविनी देवी अपने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। मायाविनी देवी सदैव आशीर्वाद मुद्रा में अपने साधक को दर्शन देती हैं। इनकी साधना एक दिवसीय साधना है, और मायाविनी देवी का जो साधना बहुत ही गुप्त साधना है। इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष बड़ी ही आसानी से कर सकता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले साधना का मैं विधान बता देता हूँ। किसी भी मंगलवार को आप इस साधना को कर सकते हैं, या रविवार को कर सकते हैं। साधना में आप स्फटिक की माला का प्रयोग करेंगे। दिशा आपकी जो है उत्तर रहेगी। आसन जो आपका वो लाल रहेगा। भोग में आप मीठा रखेंगे जो आपको पसंद हो।
आप इस बात को बड़ी बारीकी से नोट कर लें, जो मीठा आपको पसंद है वो मीठा देवी के लिए भोग में रखेंगे। जैसे आपको बर्फ़ी पेड़ा पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपकी फेवरेट है, वही आप मीठे में रखेंगे। गुलाब का इत्र अपने ऊपर लगाएंगे या परफ्यूम छिड़केंगे गुलाब की, दो फूल गुलाब के रखेंगे। सामने थोड़ा सा जल रखना है ग्लास में, जो कि शुद्ध होना चाहिए, पीने योग्य होना चाहिए। अगरबत्ती गुलाब वाली होनी चाहिए। घी का दीपक जलाना है आपको अपने सम्मुख। अपने गुरु का स्मरण करके, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप शिव मंत्र को 3 बार जाप करें, निर्वाण मंत्र का आप 3 बार जाप करें, फिर देवी मायाविनी को ध्यान करते हुए मंत्र का जाप शुरू कर देना है। ध्यान आपका वही सौम्य रहेगा, जैसे देवी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहती है और सुनहले वस्त्र धारण करती है और बिल्कुल चंचल मनमोहक युवा देवी हैं। आप जाप करें। अगर आप एक ही दिन ये साधना करनी है, बस एक बैठक में ही आपको 28 माला जाप करना है, फिर हवन 5 माला कर देना है। हवन में गुलाब पुष्प, मीठा, थोड़ा सा कपूर, शहद, देसी घी मिला लेना है, उसी में थोड़ी सी हल्की सी सामग्री मिला लेनी है और 5 माला का हवन करना है। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र बिल्कुल सरल सा है, नॉर्मल सा मंत्र है। ओम नमो मायाविनी स्वाहा, ओम नमो मायाविनी स्वाहा। जब यह साधना संपन्न हो जाए तो अगले दिन देवी को आप नमस्कार करें, यानी कि प्रणाम करके मंत्र को 5 बार पढ़ें और आवाहन करें कि देवी, हे देवी, मायाविनी देवी, आकर मेरे आगे चक्र पर विराजमान हो जाइए और शांत होकर देवी का ध्यान करें, आपके प्रश्न का उत्तर देवी तुरंत देगी। हाँ, अगर आप का प्रश्न का जवाब मिलता नहीं है तो आप घबराएं नहीं, आप दोबारा से आवाहन करें और ध्यान हो, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, एकाग्रता बनाए रखें, देवी आपको जवाब जरूर देगी। अगर ये है आप किसी भी कारणवश से ध्यान में एकाग्रता नहीं है तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक इस प्रयोग को करते रहें, आप देखेंगे कि देवी आपके प्रश्नों का जवाब भी देगी और आपके समक्ष, आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान होकर के कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहेंगे तो वो जानकारी भी आपको मिलेगी और देवी स्वयं भी दिखेगी। यह है, कोई इधर उधर की फेक साधना नहीं है, यह एक प्रमाणित साधना है। आप लोग इस साधना को करिए और इसका लाभ उठाइए। और अगर आप किसी भी कारणवश आप इस साधना को नहीं कर सकते हैं तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लेना, हम आपको इसके विषय में जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों।